राइट बिफोर वी डायरेक्टली डिस्कस द रियक्शंस लेट्स अंडरस्टैंड टू वेरी इंटरेस्टिंग टर्म्स वी डिस्कस वैन वी डिस्कसिंग अबाउट दस ऑफ मैटर्स डैट इज वॉट रोस्टिंग एंड कैल्सियशन राइट रोस्टिंग जनरली क्या है हमने एक्चुअली पहले देख भी लिया है कि वी हैव द मेटल सल्फाइड एंड वी कन्वर्ट इन टू मेटल ऑक्साइड आपके पास मेटल सल्फाइड है उसको आपको कन्वर्ट करना है किस में मेटल ऑक्साइड में बट हाउ यू आर गोइंग टू हीट बिलो मेल्टिंग पॉइंट इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर याद रखो आपको मेटल सल्फाइड को हीट करना है बिलो मेल्टिंग पॉइंट इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर अनदर टर्म फॉर दी कार्बोनेट्स दैट इज कैल्सिनेशन कैल्सिनेशन में आपको क्या करना है यहां मेटल सल्फाइड था तो यहां आपके पास क्या होगा मेटल कार्बोनेट उसको कन्वर्ट करना है किस मेटल ऑक्साइड में बट वट आर दंडीशन ओवर हियर हियर वी नीड टू हीट बिलो मेल्टिंग पॉइंट इन एबसेंस ऑफ एयर याद रखो यहां एयर नहीं होनी चाहिए इन द एबसेंस ऑफ एयर राइट फॉर द रोस्टिंग मेटल सल्फाइड इन टू मेटल ऑक्साइड ही मेल्टिंग पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ एयर बट इन दिस केस वी आर हीटिंग मेटल कार्बोनेट टू कन्वर्ट इन टू मेटल ऑक्साइड इन दब्सेंस ऑफ एयर बिलो मीट बिलो मेल्टिंग पॉइंट याद रखो दिस आर दू इम्पॉर्टेंट टर्म्स राइट

राइट एंड सल्फर डाइऑक्साइड विल बी रिलीज नाउ दिस जिंक ऑक्साइड इसमें से ऑक्सीजन रिमूव करना है आपको राइट right? तो क्या करोगे आप जैसे कि हमने डिस्कस किया था लो रिएक्टिविटी में यू आर गोइंग टू रिड्यूस बट इन दिस केस रिड्यूसिंग एजेंट इज वॉट कार्बन कार्बन इज द रिड्यूजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या वो दूसरों में से दूसरों में से ऑक्सीजन छीन के ले लेगा दिस इज वॉट कार्बन इज गोइंग टू डू याद रखो वेरी सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट जेड एन ओ है जिंक ऑक्साइड है मेटल ऑक्साइड है उसमें से ऑक्सीजन छीन लेगा तो आपको क्या मिलेगा जिंक वेरी सिंपल सो दिस इज वॉट गोइंग टू हैपन सी द रिएक्शन वी हैव जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन एज द रिड्यूसिंग एजेंट एंड वी आर गोइंग टू हीट सो वी आर गोइंग टू गेट वॉट जिंक एंड हियर वी आर गोइंग टू गेट कार्बन मोनोऑक्साइड वेरी सिंपल रिएक्शन याद रखो सबसे पहले है आपके पास सल्फाइड और उसको आपने हीट किया आपको आपने बेसिकली क्या किया रोस्टिंग किया उसका राइट सो यू गेट द मेटल ऑक्साइड एंड द सल्फर डाइऑक्साइड एज डी बाय प्रोडक्ट आफ्टरवर्ड्स यू वॉन्ट टू रिड्यूस दिस तभी तो आपको जिंक मिलेगा इस केस में राइट ऑक्सीजन रिमूव करो सो विच इज द रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज कार्बन इन दिस केस सो यू आर गोइंग टू गेट जिंक एंड द कार्बन मोनऑक्साइड वेरी सिंपल रिएक्शन नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी कैल्सियशन दिस वॉज अबाउट रोस्टिंग सो कैल्सिनेशन वी हैव जिंक कार्बोनेट रिमेंबर दिस वॉज इन दब्सेंस ऑफ एयर एयर यहां नहीं लेनी है प्रीवियसली हमने यहां ऑक्सीजन लिखा था जिंक सल्फाइड के साथ बट जिंक कार्बोनेट के साथ ऑक्सीजन नहीं लिखना है क्योंकि दिस इज एबसेंस ऑफ एयर राइट नाउ दिस इज द कैल्सिनेशन प्रोसेस हिथिंग बिलो मेल्टिंग पॉइंट इन एबसेंस ऑफ एयर सो यू आर गोइंग टू गेट वॉट जिंक ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड मिला आपको और कार्बन डाइऑक्साइड अगेन व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू व्हेन यू हैव जिंक ऑक्साइड यू गेट द रिड्यूसिंग एजेंट रिमूव ऑक्सीजन और आपको क्या मिलेगा जिंक वेरी सिंपल सो इन दिस केस अगेन व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन वेरी सिंपल बिकॉज अगर आप यहां तक पहुंच गए बाकी तो कोई आपको सोचना नहीं है राइट right? अगर आपके पास कार्बोनेट है तो आपको कैल्सिनेशन करना है आपके पास सल्फाइड है तो आपको रोस्टिंग करना है बट एंड प्रोडक्ट दोनों की क्या है जिंक ऑक्साइड ही उसके बाद तो सेम ही रहेगा कार्बन ले लो रिड्यूसिंग एजेंट राइट ऑक्सीजन रिमूव करेगा तो आपको क्या मिलेगा जिंक वेरी सिंपल रिएक्शन यू हैव जिंक ऑक्साइड यू हैव कार्बन सो यू आर गोइंग टू गेट वॉट जिंक प्लस कार्बन मोनऑक्साइड सेम एज प्रीवियस रिएक्शन राइट तो ये याद रखो फॉर द केस ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स आपको और मिलेगी कौन से फॉर्म में सल्फाइड के फॉर्म में तो आप क्या करोगे रोस्टिंग फिर क्या मिलेगा मेटल ऑक्साइड फिर आपको उसमें से ऑक्सीजन रिमूव करना है दैट इज द रिड्यूसिंग प्रोसेस राइट अगर आपके पास मेटल कार्बोनेट है तो उसको आपको कैल्सिनेशन करना है फिर अगेन आपको मिलेगा मेटल ऑक्साइड उसको रिड्यूस करो तो आपको क्या मिलेगा मेटल सो दिस इज हाउ वी गेट इन केस ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी नाउ लेट्स डिस्कस वन मोर केस which is the case of displacement reaction. This is the second time we are discussing about displacement reaction in the same chapter. पहले chapter में भी discuss किया था right? तो यह कैसे use हो सकता है Let's see with the reaction itself, right? यहां example लेते हैं magnesium dioxide along with the aluminium. तो see इसमें क्या होगा You have the manganese oxide. right. अगर आपको मैंगनीज चाहिए इस केस में तो ऑक्सीजन को रिमूव करना है बेसिकली रिड्यूस करना है right. बट एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू अपर लेवल इन द रिएक्टिविटी सीरीज कंपेयर टू वॉट मैंगनीज राइट तो क्या होगा एल्यूमिनियम यहां आ जाएगा मैंगनीज बाहर निकल जाएगा तो आपको मैंगनीज मिल गया राइट दिस इज द वेरी सिंपल लॉजिक राइट एंड हियर मैंगनीज वी हैव ओवर हियर एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट ओके विल डिस्कस दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्कस कर देते हैं यहां आ जाएगा ऑक्सीजन निकल गया तो ये बंदा रिड्यूस हो गया ऑक्सीजन गायब तो आपको क्या मिलेगा मैंगनीज वो ऑक्सीजन किसके साथ गया एल्यूमिनियम और क्या बनाया उसने एल्यूमिनियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड बट हमें तो मैंगनीज में इंटरेस्ट है दैट्स इट सो दैट इज वॉट नीड टू थिंक ना वाइल दिस रिएक्शन हैपन्स इट इज़ वेरी एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक मीन्स क्या चैप्टर वन रिकॉल करो जो रिएक्शन हीट प्रोड्यूस करती है हीट प्रोड्यूस करते हैं याद रखो दैट इज कॉल्ड वॉट एक्सोथर्मिक रे ये रिएक्शन होगी तो क्या होगा हीट जनरेट होने वाली है बहुत सारी तो हो सकता है कि आपको मेटल लिक्विड या मोल्टन फॉर्म में भी मिले इतनी हीट जनरेट होती है राइट right? यही कंसेप्ट से एक प्रोसेस है मैन्यू वेल्डिंग प्रोसेस थर्माइट वेल्डिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट दिस इज अबाउट दैट ओनली फेरिक ऑक्साइड ले लो और एल्यूमिनियम ले लो तो इसमें भी वही होना है आयन रिलीज होगा प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट ये रिएक्शन यूज होती है थर्माइट वेल्डिंग में लेट्स जस्ट फॉर दी रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइंट करना है तो उस केसेस में ये वेल्डिंग प्रोसेस यूज हो सकती है उसमें सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होती है दिस इज हाउ दिस केमिकल रिएक्शन कैन बी यूजफुल राइट आपने एल्यूमिनियम ले लिया फेरिक ऑक्साइड ले लिया वी कैन यूज दिस टू ज्वाइंट इट रेलवे ट्रैक्स वेरी सिंपल लॉजिक Right so this is how we extract the metals those belong to medium reactivity